तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वर्ड्स रिएक्शन क्या होती है लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ द वर्ड्स रिएक्शन, मतलब कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। एक्चुअली में इस रिएक्शन में रेडिकल फॉर्मेशन होती है और रेडिकल्स होते हैं और आर रेडिकल्स बनते हैं और उसके बाद में एक कार्बन आयन भी बनता है इसके अंदर जो कि रिएक्ट करता है। मैं तीन स्टेप्स दिखाता हूं। स्टेप वन में क्या है, स्टेप वन में है मान लीजिए मेरे पास है CH3CH2Br, ये है ब्रोमो इथेन, इसको मैंने किया सोडियम के साथ। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और आपको पता है कि Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ये एक बॉन्ड जो बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। सोडियम जब इसके पास आएगा तो ये होमोलिटिक फिशन होने जा रहा है और ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है जो Br को चले जाएगा तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2 एक रेडिकल बन जाएगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और Br के पास दो इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन Br के पास आ गए। अब ये स्टेप वन में रेडिकल बना था। स्टेप टू में क्या होगा कि रेडिकल जो है ये बहुत रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, इसे जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा लेने के लिए ये फिर सोडियम के पास जाएगा। सोडियम हमेशा ऑलरेडी है हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये रेडिकल है, इसको जरूरत है तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनेगा, CH3CH2 ये कार्बन आयन बन गया और सोडियम अपना प्लस बन गया, Br ऑलरेडी है उसमें माइनस, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, एक कार्बन आयन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन आयन है। तो अब ये क्या करेगा, इस ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा लेकिन पॉजिटिव सेंटर पे करेगा। तो पॉजिटिव सेंटर कहाँ है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में बहुत है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके बाद क्या बनने जा रहा है, CH3CH2 और ये इसके साथ में इसने बना ली है एक पूरी लिंक कर गया कार्बन के साथ, लिंकिंग हो गई। तो हमने पहले ही कहा ये कपलिंग रिएक्शन है, यहाँ कपलिंग हो गई तो ये बन गया ब्यूटेन और फिर Br माइनस बाहर आ गया और ऑलरेडी सोडियम प्लस है तो Br माइनस के साथ में सोडियम साल्ट बना लेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्शन तीन स्टेप्स में हुई है और आप देख रहे हैं क्योंकि रेडिकल्स बनते हैं और एक कार्बन आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है इसलिए इसमें बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए ये मेथड इतना सुटेबल नहीं है क्योंकि उनमें एलिमिनेशन हो जाएगी, तो इसलिए जो 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड्स हैं वो इस केस में कामयाब नहीं है। तो ये बेस्ट यील्ड्स हमें मिलती हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिमेट्रिक हैं और इवन नंबर ऑफ कार्बन्स का हमें प्रोडक्ट मिलता है जो कि हमने इस मैकेनिज्म से दिखाया है। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन के बारे में बताऊंगा जो इसी टाइप की रिएक्शंस हैं लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।